कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे एंड वेलकम अगेन टू द अनदर वीडियो। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल है करवा चौथ और मेरी मेहंदी जो है वो लग चुकी है। अभी एक ही हाथ में लगाया है मैंने, बट अभी रात में मैं दूसरे हाथ में भी लगा लूँगी। एंड अभी तक मैंने आप लोगों के साथ अपनी करवा चौथ की जो भी प्रिपरेशन की है मैंने वो शेयर नहीं किया है। आज मैं आपके साथ अपनी जो करवा चौथ की प्रिपरेशन है वही शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। एंड हाँ गाइस, कल है करवा चौथ तो कल का पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो के थ्रू। तो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या लिया। गाइस तो चलिए फिर जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करते हैं कि मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपना चूड़ा शेयर कर देती हूँ। मैंने इस साल नया चूड़ा लिया है। वैसे तो मेरे पास मेरी शादी का चूड़ा है, बट फिर भी मुझे इस बार मन किया कि मैं चूड़ा खरीदती हूँ, तो मैंने अपने लिए चूड़ा खरीदा है। बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा चूड़ा कैसा लगा। बहुत ही प्यारा सा चूड़ा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है मेरा ये चूड़ा। और इसके बाद फिर मैंने लिया है ये कुछ, मैंने पर्ल्स क्या है चूड़ियाँ ली हैं, जो कि अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको सेट बना करके पहन पाऊँगी, किसी भी चूड़ी के साथ सेट लगा लूँगी इसका। और वैसे मैं अभी आप लोगों के साथ अपना जो मैंने आउटफिट मैंने सेलेक्ट किया है कि मैं क्या पहनूंगी, मैंने सूट परचेज़ किया है जो कि मैं आगे आपको शायद शेयर करूंगी। बट क्या हुआ कि मैंने जो सूट लिया है वो मैंने अनस्टिच्ड लिया है, तो मैं उसको प्रिपेयर तो नहीं करवा पाई हूँ, सिलवा तो नहीं पाई हूँ। बट फिर भी मैं जो भी सूट लाई हूँ उसको मैं जो श्रृंगार का सामान चढ़ता है उसके साथ चढ़ा दूँगी एंड उसके बाद फिर मैं उसको स्टिच करा लूँगी। एंड फिलहाल कल के लिए मैंने एक साड़ी चूज़ की है जो कि मेरी शादी के टाइम की है। साड़ी मैं सूट नहीं पहनूँगी, मैं साड़ी पहनूँगी। एंड सूट मैं आपको अभी दिखा दूँगी कि मैंने कौन से सूट परचेज किया है। तो फिलहाल मैं ये आपको दिखा देती हूँ कि ये है, ये मैंने श्रृंगार का सामान जो छूते हैं, छू करके दान करते हैं, उसके लिए मैंने परचेज किया है ये। एंड ये बिंदी है, ये बिंदी है। एंड बिछिया मैंने परचेज की थी कल। ये बिछिया मैं लेके आई हूँ, इसकी डिज़ाइन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है बिछिया, ये बिछिया मैं लेके आई हूँ कल। तो ये बिछिया है, एंड इसके बाद आ जाते हैं वही श्रृंगार का सामान थोड़ा बहुत लेके आई हूँ। ये है आलता, एंड ये है दो नेल पेंट, इसमें से एक नेल पेंट मैं अपने लिए रख लूँगी एंड एक नेल पेंट मैं श्रृंगार का सामान जो छूते हैं एंड उसके बाद फिर दान करते हैं उसके लिए रखूँगी। ये मैं एक क्लचर लेके आई थी एंड ये मैं एक लिपस्टिक लेके आई थी। एंड इसके बाद फिर मैंने ये दो तरह के जो सिंदूर होते हैं, एक पीला और एक रेड कलर का, वो परचेज किया था। एंड इसके बाद फिर मैंने अपने लिए बिंदी परचेज़ की थी, क्योंकि मैं डेली यूज़ में बहुत छोटी बिंदी लगाती हूँ, तो ये बिंदी मैंने अपने लिए परचेज़ की थी। बस इतना ही थोड़ा सा सामान मैंने परचेज़ किया था। एंड कल शाम को मैं जाऊँगी, सॉरी कल सुबह मैं जाऊँगी, जा कर के मैं करवा फूल और ये सारी जो लास्ट की प्रिपरेशन होती है वो मैं खरीद करके लाऊँगी। एंड आज शाम को मैं अपने लिए गजला लेने जाऊँगी, तो वो मैं कल के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। एंड चलिए फिर दिखा देते हैं कि मैंने कौन सा सूट परचेज़ किया था जो कि मैं सिलवार नहीं पाई हूँ, बट फिर भी मैं आपके साथ सूट का कपड़ा जो मैं लेके आई हूँ वो मैंने परचेज़ किया है। एक मैंने परचेज़ किया है, ये मैरून कलर का सूट है, ये मैरून कलर का सूट मैंने परचेज़ किया था अपने लिए। ये अनस्टिच है, इसको मुझे सिलवाना पड़ेगा। एंड इसका दुपट्टा मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा है,
पूरा तो मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी, पर इसका दुपट्टा जो है वो बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। मेरे पास इस तरह का ब्राइडल सूट नहीं था तो मैंने ये अपने लिए सूट लिया है। एंड इसके बाद से मैंने अपने लिए लिया है एक और सूट का कपड़ा लिया था मैंने, जो कि अब मैं दिवाली पे घर जाऊंगी तब सिलवाऊंगी। ये है एक सूट का कपड़ा मैंने ये लिया था, तो यही दोनों सूट के कपड़े मैंने लिए थे। एंड जो साड़ी मैं पहनूंगी वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा, तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल पूरा दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना करवा चौथ का पूरा दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड हैप्पी करवा चौथ मेरी सारी फैमिली में, जितनी मेरी फैमिली में जितनी भी लेडीज़ जो हैं वो सेलिब्रेट कर रही हैं करवा चौथ, उनके बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं करवा चौथ के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।